फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल पे काफ़ी मोबाइल्स पे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे थे। मैंने अभी रिसेंटली आईफोन 13 भी परचेज किया है एक वैल्यूबल प्राइस पे। मैंने एक और नया स्मार्टफोन लिया है विच इज़ सैमसंग S21 FE 5G। एंड फ्लिपकार्ट ने जब से ओपन डिलीवरी बॉक्स फीचर जो है वो ऐड किया है, तब से फ्रॉड के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं, क्योंकि इसमें डिलीवरी बॉय आपके सामने बॉक्स ओपन करेंगे, आपको अच्छे से चेक करना है, उसके बाद ही OTP शेयर करना है। काफ़ी लोग डिलीवरी बॉय या फ्लिपकार्ट को फ्रॉड बोलते थे, तो जब फ्लिपकार्ट आपको ये वाला फीचर दे रहा है तो आपको अच्छे से इसे यूज़ करना चाहिए, बिकॉज आपके सामने ही वो फ़ोन का बॉक्स जो है ओपन करेंगे, सारे एक्सेसरीज़ को चेक करेंगे, उसके फ़ोटोज़ को कैप्चर करेंगे, एंड इन सब चेक करने के बाद ही आपको फ़ोन डिलीवर होगा। मेरे लिए तो मेरे दोनों फ़ोन का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था डिलीवरी के रिगार्डिंग, बिकॉज मेरा जो आईफोन 13 था उसमें भी ओपन बॉक्स डिलीवरी था एंड इस बॉक्स में भी ओपन बॉक्स डिलीवरी था। सो मैंने इस फीचर का तो अच्छे से यूज़ किया, इसके वीडियोज़ बनाए एंड देन सब कुछ चेक करने के बाद ही मैंने उनके साथ OTP शेयर किया। तो अब हम बात करते हैं फ़ोन के बारे में। तो ये वो फ़ोन का बॉक्स आप देख रहे हैं कि आजकल बॉक्स जो है वो कितना ज़्यादा छोटा होते जा रहा है, एंड आईफोन की तरह इन्होंने भी अडैप्टर जो इससे निकाल दिया है। सो लेट्स सी कि इस बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग तो आपने ऑलरेडी देख ली, जब डिलीवरी बॉय जो आए थे उन्होंने ही अनबॉक्सिंग कर दिया था, तो फिर भी मैं आपको इसका एक छोटा सा अनबॉक्सिंग दिखा देती हूँ। ये एक छोटे से बॉक्स में आपको एक मोबाइल मिल जाएगा विच इज़ सैमसंग S21 FE 5G, और आप बॉक्स देख रहे हैं कि पहले से काफ़ी ज़्यादा बॉक्स जो है वो छोटा हो चुका है, और इसके साथ हमें कुछ एक्सेसरीज मिलेगी जो कि है एक सिम इंजेक्टर टूल, कुछ डॉक्यूमेंट्स और Type-C2C केबल। बस इससे ज़्यादा आपको इस बॉक्स में और कुछ नहीं मिलने वाला था। अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन की प्राइसिंग के बारे में, ये हर प्लेटफॉर्म पर अलग अलग प्राइस पर मिल रहा था। फ्लिपकार्ट पे ये आपको 35,000 का मिल रहा था, और अगर आपके पास ICIC का क्रेडिट कार्ड या फिर एक्सिस फ्लिपकार्ट बैंक का अगर क्रेडिट कार्ड होता तो आपको और भी अच्छे प्राइस पे ये फ़ोन मिल सकता था। इवन मैं रिलायंस डिजिटल भी गई, वहाँ पे इसकी जो प्राइस थी वो 40,000 की थी, और HDFC क्रेडिट कार्ड पे 3,000 का डिस्काउंट मुझे मिल रहा था, फिर भी ये 37,000 में मुझे मिल जाता अगर मैं इसे रिलायंस डिजिटल से खरीदती, और सैमसंग के जो वेबसाइट है वहाँ तो मुझे ये आउट ऑफ स्टॉक ही दिख रहा था। बट हर प्लेटफॉर्म पे आपको अलग अलग प्राइस मिल रहे हैं इस फ़ोन के। मैंने फ्लिपकार्ट से इसे परचेज़ किया है 35,000 में विदाउट एनी कार्ड डिस्काउंट, पर फिर भी मुझे ये एक वैल्यूबल डील लगता है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ये फ़ोन का जो वेट है ना, मतलब इतना लाइट वेट सा ये मोबाइल है एंड इवन इतना कॉम्पैक्ट सा है, आप देख सकते हैं मैंने अभी तक इसमें बैक कवर वगैरह कुछ नहीं लगाया है, ये इजीली आपके हाथ में आ जाता है एंड इट लुक्स सो कंपैटिबल, मतलब इजीली आप इसे ले सकते हैं एंड ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। आप देख सकते हैं ये फ़ोन जो है ये 4 कलर में आता है, ग्रेफाइट, ऑलिव, लैवेंडर एंड वाइट कलर। मुझे लैवेंडर लेना था बट अगेन वो स्टॉक आउट हो गया था, तो मैंने फिर ये वाला कलर ही ले लिया, दैट इज़ ग्रेफाइट। एंड ये वाला जो वेरिएंट है दैट इज़ 128, ये आपको दो वेरिएंट में मिल जाएगा, दैट इज़ 128 एंड 256। एंड अगर आप इसे देखेंगे, इसका जो बैक है ये पॉलीकार्बोनेट है एंड जो फ्रेम है वो मेटल का है। बैक मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, ये एक मैट फिनिश आपको मिलता है, बिकॉज मेरा जो पहले वाला फ़ोन था दैट इज़ सैमसंग M51, उसका जो बैक था वो ग्लास था, तो उसमें हल्का सा भी अगर स्क्रैच आया ना वो इजीली विजिबल होता था, बट इसमें अगर आप देख सकते हो स्क्रैचेस वगैरह इजीली विजिबल नहीं होने वाले, जस्ट बिकॉज इसमें पॉलीकार्बोनेट बैक है, ये काफ़ी आपको एक स्मूथ सा मैट फिनिश देता है। इसकी अगर डिस्प्ले की बात करूँ, 6.4 इंच डायनामिक्स 2x AMOLED डिस्प्ले, साथ ही साथ आपको इस डिवाइस में 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी मिलता है, तो जब आप इसे यूज़ करोगे स्मूथ काफ़ी लगेगा आपको। एंड बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी मिल रही है, एंड अडैप्टर जो है वो बॉक्स में नहीं है, तो आपको अडैप्टर जो अलग से परचेज करना पड़ेगा। इसके साथ आपको Type-C2C की वायर आपको मिल जाएगी। कैमरे की अगर मैं बात करूँ, यहाँ आपको 3 कैमरा मिल जाएगा, 12 MP अल्ट्रा वाइड, 12 MP रियर कैमरा एंड 8 MP टेलीफोटो कैमरा का सेटअप आपको मिलेगा इसमें, एंड 8 MP टेलीफोटो कैमरा जो है वो आपको 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है, जिससे पोर्ट्रेट मोड के फोटोज जो है वो काफ़ी अच्छी आती है।
एंड इवन इससे आप पोर्ट्रेट मोड में वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट एंड बैक। सो व्लॉग्स या वीडियो रिकॉर्ड करने में मैं इस फीचर का यूज तो डेफिनेटली करने वाली हूँ। सो अगर मैं आपको मेरे अकॉर्डिंग बताऊँ, मुझे ये फोन काफी ज्यादा पसंद आया है। ये काफी लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट सा फोन है एंड आजकल मुझे कॉम्पैक्ट फोन यूज करना ज्यादा पसंद है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आईफोन 13 भी परचेज किया था एंड ये भी काफी कॉम्पैक्ट सा फोन है। ये दोनों फोन को आप वन हैंडेड आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो मुझे ये फोन जो है वो काफी ज्यादा पसंद आया। इसके जो कैमरा मोड्स है वो आगे जाके मैं और ज्यादा टेस्ट करने वाली हूँ। सो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब हम मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।